अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कुल्फे की भाजी। तो देखिए, हम एक कुकर लेंगे और ये देखिए, ये कुल्फे की भाजी है। हमने इसे अच्छे से वॉश कर कर रख दिए और ये तीन भाजी की गड्डी है और इसे पत्ता पत्ता तोड़ना। देखिए इस तरह से ऐसे इसके पत्ते पत्ते निकालना है और अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और इसे हम हल्का सा गला लेंगे। देखिए, हमने कुकर में पूरी भाजी डाल दी है। अब हम इसमें ज़रा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और हम इसमें एक आधा गिलास पानी डालेंगे और हम कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसकी तीन सीटियाँ ले लेंगे। हम गैस चालू करेंगे। देखिए, तीन सीटी हो चुकी है। अब हम गैस बंद करेंगे और हम भाजी चेक करेंगे। देखिए, भाजी हल्की सी गल गई है। अब हम इसे हल्का हल्का दाल घोटने की मदद से घोट लेंगे। देखिए, हम दाल घोटने की मदद से घोट लेंगे और हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं घोटना है, दरदरा ही घोटना है इसे। देखिए, हमने इसे दरदरा घोट लिया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, हमने कुकर में अपने हिसाब से तेल डाल दिए। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम गैस चालू कर देंगे और इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी भी डालेंगे। टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे। देखिए, हमारे पास ये मोटी मोटी कटी हुई प्याज है और कोथमीर है, वो डाल देंगे। अभी हमारे पास 1.5 पाव गोश है, वो भी डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने हिसाब से नमक भी डालेंगे। हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे गोश्त गलने के लिए। देखिए, हमने सब मसाले और गोश्त को अच्छा सा भून लिए हैं और अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे और हम कुकर लगाकर गोश्त गलने तक के रख देंगे। देखिए, हम गैस बंद करेंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा गोश्त कितना गला। देखिए, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें कैरी डाल देंगे। देखिए, हमारे पास ये आधी कैरी है, हम इसमें ये आधी कैरी डाल देंगे और इसे हम अच्छा सा कैरी घूटे तक के भून लेंगे। देखिए, अच्छे से भून गया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में निकालेंगे। देखिए, हमने एक कढ़ाई लिए। अब हमने ये जो भुना हुआ गोश्त था, हम इसमें डाल देंगे। देखिए, अरे ये जो हमारे पास भाजी है, हमने जिसे घोट कर रखा था, वो भाजी भी इसमें डाल देंगे और हमने गोश्त के मसाले और भाजी को अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि इसका तेल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए, जब तक हम भूनेंगे और ये भाजी भी अच्छी घुट जाएंगी हम जब तक इसे भूनेंगे।
देखिए हमारी भाजी और मसाले अच्छे से भुन गए हैं और ये इसका भाजी का तेल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें एक टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। देखिए मैं एक टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे स्टीम राइस के साथ खाएं तो भी अच्छा लगता है और ज्वारी की रोटी से या फिर चपाती से खाएं बहुत टेस्टी लगता है। और मैं ये जब इतनी मेहनत से आपको रेसिपी बताती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने हिसाब से, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस मामूली सा ही डालना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे, हमने पहले ही गोश्त में हिसाब से नमक डाल दिए थे, हमें ज़रा कम लग रहा था तो हमने डाल दिए। और अब हम गैस बंद करेंगे, इसे हम सर्व करेंगे। देखिए हमारी कुल्फी की भाजी बनकर गर्मा गर्म तैयार हो चुकी है और ये मेरी रेसिपी को फैमिली में और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसे बनी। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।